बिहार में, नालंदा में हिंसा, तमाम हिंसा के बीच में ममता बनर्जी ने कहा मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। ममता बनर्जी कह रही है सीएम बंगाल की, मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है बीजेपी कब कहां दंगा करवा दे, बीजेपी वाले कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। और बीजेपी के नेता ने जवाब दिया है कि बंगाल में हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है, ममता बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती हैं और 1990 का जो कश्मीर था उसको बंगाल में लाना चाहती है। अब यहां पे तलवारें खींची हुई हैं। इस बीच में जानना था कोई कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। क्या काम करती हैं? हाउसवाइफ। सबसे अच्छा काम है आप और सबसे कीमती दुनिया का। यही अगर ये काम बहुत अच्छे से बहुत सलीके से किया जा रहा है, मैं इस पर सवाल तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूं कि फिर भी न जाने कैसे शहरी हम लोग बन गए हैं कि तलवारें खींचे हुए हैं, तलवारें खींचे हुए हैं। अब इस पे मुद्दे पे बातचीत शुरू करेंगे। ममता बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, मैं यहीं से बातचीत शुरू करना चाहता हूं। जी, बहुत ही दुख की बात है कि आज हम इस मुद्दे पर हमें डिबेट करने पे मजबूर हो गए हैं। कहां आज हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं, कहां हम डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, बहुत चीजों पे देखना चाहिए। तो रामनवमी पे बुलडोजर लेके जाने में क्या जरूरत थी? रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर क्यों जाएगा? मेरी बात सुनिए आप प्रतीक जी, कुछ 5 या 6 घंटे मतलब आपने तलवार निकाली, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने तलवार निकाल ली। मैं जानना चाहता हूँ कि रामनवमी के जुलूस पे बुलडोजर की क्या जरूरत है? मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। मैं तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम, हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आ रहा हूँ 6 तारीख। बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने राम इनके उतने राम आपके, उतने राम मेरे, कहीं कोई बंटवारा नहीं। 6 तारीख की बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि रामनवमी के जुलूस में बुलडोजर का क्या काम, ममता पूछ रही। देखिए प्रतीक जी, बुलडोजर प्रतीक है अपराध के विरुद्ध संघर्ष का, बुलडोजर प्रतीक है सरकारी जो प्रशासन है उसकी मजबूती का, बुलडोजर प्रतीक है आतंकवाद के ऊपर प्रहार का। तो बुलडोजर ले जाना इस देश में गैर कानूनी नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी दीदी से, जो बंगाल की गृह मंत्री भी है, आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि आप ये कहेंगे कि इस मुगल्ले से नहीं निकलोगे, उस मोहल्ले से नहीं निकलोगे, बात तो आप खुद ही रहे हो। मैंने सवाल क्या पूछा था, किसी को याद है क्या सवाल पूछा था मैंने? रामनवमी के जुलूस पे दंगा क्यों होता है? रामनवमी के जुलूस पे दंगा क्यों होता है, ये कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है वैसे, लेकिन मैं ये कह रहा था सवाल ये नहीं था, मैंने पूछा था कि बुलडोजर क्यों आखिर रामनवमी के जुलूस पे क्या? ममता जी सबके सामने बोलती हैं प्रोटेक्ट हिंदूज कहना चाहिए उन्हें, पर उन्होंने कहा हिंदू भाई मुसलमानों को बचाओ, बंगाल में बोला उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बचाओ। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब वो कहती हैं कि 1964 में वो बांग्लादेश के जो फाउंडर थे बांग बिंदु शेख, उन्होंने ये एक बात की अर्जी दी थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह से आप शेड्यूल कास्ट को बचाइए, जब कम्युनल राइट्स हो रही है आदिवासियों को बचाइए। मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि वो वक्त याद कीजिए, आप अपने मुसलमान भाइयों को बचाइए। अरे हिंदू मुस्लिम करते करते आप कहाँ रह गई ममता जी, आपने कहाँ कर दिया? आपको ये ध्यान नहीं है कि आपको जाकर पुलिस वालों से बात करनी चाहिए, पर उनको डर है कि मैं कहीं ना कहीं इलेक्शन ना हार जाऊं, जिस तरीके से वो इलेक्शन हार गई थी। जब मेन यही बात फंसी हुई है इलेक्शन, और मैंने पूछा था कि रामनवमी का जुलूस निकला तो उसमें बुलडोजर क्यों? अगर राम जी की सेना में बुलडोजर शामिल था तो जरूर जाना चाहिए, कोई नहीं रोकना चाहिए। अगर बुलडोजर होता, हाँ, अगर बुलडोजर होता, उस समय अगर बुलडोजर होता तो मैं लंका में बुलडोजर चला देता। जी मैं आया, मैं आया।